कॉमन फैक्टर इज 1, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर आया 1। तो जो ही कॉमन फैक्टर 1 आ गया, ये दोनों नंबर हो गए को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर आपको अच्छी तरह से आएगा समझ में, जब भी कोई भी दो नंबर हम लेंगे पहले उसका फैक्टर्स लिखेंगे, और जब उसका कॉमन फैक्टर 1 आएगा तो दोनों का आएगा प्राइम नंबर्स। क्लियर? अब नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं गुणनखंड, यानी कि किसी नंबर को गुणा के द्वारा खंड कर देना। खंड का मतलब जानते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देना। एक मान लीजिए 20 है, तो उसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 1। तो 1 20 कितना होगा? 1। अब उसका कितना टुकड़ा हो गया? 1 2 2 5, यानी 4। तो इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन और किसके द्वारा? तो प्राइम नंबर्स के द्वारा। प्राइम नंबर्स हमें कैसे निकालना है पता है। अब जैसे हमको 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो सबसे पहले हम इसमें प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, 2 से 120 डिविजिबल है, सबको पता है। तो 2 से हमने डिवाइड किया 120 को, तो इसका कोशिएंट कितना आएगा? 60। उस 60 को हम क्या करते हैं, 120 के नीचे लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 2। यही प्रक्रिया हमें बार बार दोहराते चलना। फिर 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, कोशिएंट कितना आएगा? 30 हमने नीचे लिख दिया, यहाँ लिख दिया। फिर वही पुराना है, 30 को फिर हम डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो उसका कोशिएंट कितना आएगा? 15। अब 15 2 से डिविजिबल नहीं है, तो जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से भाग दे करके देखिए, तो 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3। तो हमको पता है कि 15 3 से डिविजिबल है, तो 3 से 15 में डिवाइड किए, कोशिएंट आ गया 5। अब फिर 5 को हमको डिवाइड करना है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 के बाद प्राइम नंबर 5, इसलिए 5 को हम 5 से डिवाइड किए, कोशिएंट आ गया 1। अब ये 5 की क्रिया खत्म हो गई। अब हम इसको लिखेंगे 120 = 2 × 2 × 2 × 3 × 5। बस यही चीज हमने यहाँ लिख दिया, 120 = 2 × 2 × 2 × 3 × 5। यानी कि प्राइम नंबर्स के द्वारा हम इसको गुणा के रूप में लिख दिए और इसका प्रोडक्ट हो गया 120। यह कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से आज हमने जिन चीजों को सीखा वह है प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं समझता हूँ कि आप सबों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमसे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आपसे उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू।